हे हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको ब्लू टोन फोटो एडिटिंग करके दिखाने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में ना हम आपको हेयर कट एंड आईब्रो कट भी मार के दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह का एडिटिंग करने में कौन कौन सा ऐप्स का मैं यूज़ करा है सब बताएं, तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है एंड इस तरह का एडिटिंग आप सीख पाएंगे। चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने फ़ोटो को लेके आना है स्नैपसीट एप्लीकेशन के अंदर एंड यहाँ से आपको टूल्स पर क्लिक करना है। और यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, वाइट बैलेंस है ना, वाइट बैलेंस को आपको टेम्परेचर को मैनेज कर देना है, ठीक है, और टिंट को भी मैनेज कर देना है कुछ इतना। एंड यहाँ से आपको डन पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ से तीर वाला आइकॉन पे जाना है फ्रेंड्स, व्यू एडिट में जाना है और वाइट बैलेंस में जाना है, ब्रश पे सिलेक्ट कर लेना है। और अपने बैकग्राउंड जो है इस पर आपको इस तरह करके अपने बैकग्राउंड को पूरा अपने बैकग्राउंड पे इस तरह करके ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो आपका जो बैकग्राउंड है वो पूरा ग्रीन हो जाएगा। तो देखिए मैं फर्स्ट में ग्रीन कर लेता हूँ, मतलब ड्रॉ कर लेता हूँ, आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इतना करने के बाद से आपको यहाँ से डन पे क्लिक कर देना है एंड इधर तीर का आइकॉन होगा, फिर से क्लिक कर देना है। और अगर आपको टूल्स पे जाना है फ्रेंड्स, टून इमेज में जाना है और यहाँ से आपको देखिए शैडो है ना, शैडो को थोड़ा बढ़ा लेना है, तो क्या होगा, इससे हेयर में लाइट आ जाएगा। एंड अगर यहाँ से आपको हाईलाइट को थोड़ा माइनस कर देना है और एम्बिएंस है इसको थोड़ा प्लस कर देना है, ठीक है। सिचुएशन आपको रहने देना है, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा लेना है एंड यहाँ से आपको डन पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, अपने फोटो को मैं दिखा देता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। मेरा जो बैकग्राउंड है वो पूरा ग्रीन हो चुका है एंड फेस भी सही से एडजस्ट हो चुका है। फिर से टूल्स पे क्लिक करना है फ्रेंड्स, डिटेल्स में जाना है और इसका स्ट्रक्चर आपको थोड़ा बढ़ा लेना है, डन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करने के बाद से फ्रेंड्स, आपको टूल्स पर फिर से क्लिक करना है, सिलेक्टिविटी पर क्लिक करना है। और अगर इधर मेरा देखिए ब्लैक ब्लैक है, बहुत सारा ब्लैक, तो इस पर रख के और ब्रश लाइट को थोड़ा बढ़ा लेना है, ठीक है। तो जिधर आपका लाइट कम होगा ना, उधर आपको इस तरह करके बढ़ा ले रहे हैं। एंड देख सकते हैं फ्रेंड्स, अपने फोटो को मैं दिखा देता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। मेरा बैकग्राउंड ग्रीन हो चुका है एंड फेस भी सही से एडजस्ट हो चुका है। तो सिंपली फ्रेंड्स, आपको यहाँ से शेयर का ऑप्शन होगा, शेयर पे क्लिक कर देना है और फोटो को शेयर कर लेना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स, फोटो को शेयर कर लेना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर और यहाँ से आपको कलर में जाना, देख लीजिए मिक्स पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। इसका ग्रीन कलर है, इसका ह्यू आपको माइनस कर देना है, ठीक है, और सिचुएशन आपको थोड़ा प्लस कर देना है। फिर इस पे जाना है और इसका सिचुएशन आपको थोड़ा प्लस कर लेना है एंड ह्यू को भी माइनस कर देना है 100 माइनस, और सिचुएशन को आपको 100 प्लस कर देना है। तो आपका जो फोटो है कुछ इस टाइप से, बैकग्राउंड जो है कुछ इस टाइप से बन जाएगा येलो टेन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इतना करने के बाद से आपको सेकेंड नंबर पर जाना है, इसका सिचुएशन आपको माइनस कर लेना है एंड ल्यूमिनेंस को थोड़ा प्लस कर देना है। तो देख सकते फ्रेंड्स, आपका जो फेस होगा उस पर लाइट आ जाएगा, ठीक है। तो आपको अपने फोटो के हिसाब से रखना है, सिचुएशन को माइनस करना है एंड ल्यूमिनेंस को प्लस करना है। तो फर्स्ट नंबर पे जाना है, इसका ह्यू जो सिचुएशन आपको बढ़ा लेना है एंड ल्यूमिनेंस को भी प्लस कर देना है। तो इतना करने के बाद से फ्रेंड्स, देखिए ये वाला ब्लू कलर है, तो मेरा शर्ट का कलर जो वो ब्लू है, ठीक है। तो इसका सिचुएशन थोड़ा बढ़ा लेते हैं एंड ह्यू को थोड़ा माइनस कर लेते हैं और ल्यूमिनेंस को थोड़ा माइनस कर लेते हैं, क्योंकि मेरा जो शर्ट है उस पर लाइट ज़्यादा आ रहा है। तो सिंपली फ्रेंड्स, यहाँ से आपको डन पे क्लिक करना है, वाइब्रेंस को थोड़ा बढ़ा लेना है एंड अपना देखिए इस फोटो को ना, देखिए मैं दिखा देता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। मेरा जो बैकग्राउंड है वो येल्लो कलर के बन चुका है, तो आपको सिंपली येल्लो कलर बना लेना है एंड देखिए ये शेयर का ऑप्शन होगा, शेयर पे क्लिक कर लेना है और एक्सपोर्ट एज पे क्लिक कर देना है और फोटो को फिर से शेयर कर लेना है पिक्सट एप्लीकेशन के अंदर। सो फ्रेंड्स, फोटो को शेयर कर लेना है पिक्सट एप्लीकेशन के अंदर एंड यहाँ से आपको देखिए इफेक्ट है, इफेक्ट पे क्लिक करना है और देखिए यहाँ से कलर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और आपको देखिए अपने बैकग्राउंड पे रख देना है एंड कुछ इस टाइप से करके आपको जो भी कलर आप करना चाहते होंगे वो कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से आपको ब्लू कलर रख के दिखा देता हूँ, देखिए आपको ब्लू कलर पे आ जाना है और इसका जो ह्यू है आपको 100 प्लस एंड ह्यू जो मिक्स ह्यू है इसको भी मैक्स ह्यू इसको भी 100 प्लस कर देना है। इरेज पे क्लिक करना है फ्रेंड्स और यहाँ से आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट कर देना है, सिंपली आपका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको डन पे क्लिक करना है एंड देख सकते हैं आप कोई भी कलर रख सकते हैं, ठीक है, तो मैं ब्लू ही रख लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ से आपको डन पे क्लिक करना है।
तो आपका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू टोन हो जाएगा। तो सिंपली फ्रेंड्स इतना करने के बाद से आपको यहाँ से देखिए इधर डाउन ऊपर में सेव का ऑप्शन होगा, सेव पे क्लिक कर देना है एंड इस फोटो को लेके चलना है ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर। सो फ्रेंड्स फोटो को शेयर कर लेना है ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर एंड आपको ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे ये ब्रश ठीक है, तो इसका साइज आपको देख लेना है एंड फ्लो 4 और स्ट्रेंथ को 5 रखना है और आपको ना फोटो को पूरा स्मूथ कर लेना है अपने फेस को ठीक है। तो फ्रेंड्स इस देखिए मैं अपने फेस को पूरा स्मूथ कर लेता हूँ ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह आपको स्मूथ करना है एंड आपका फेस ना बहुत अच्छे तरीके से स्मूथ होगा अगर मैं जैसे बता रहा हूँ वीडियो में आप उस तरह करके स्मूथ करते हो। तो देखिए सबसे पहले आपको ऊपर में स्मूथ करना है एंड कुछ इस तरह करके आपको ब्रश करना है ठीक है, जैसे मैं चला रहा हूँ ब्रश को चला रहा हूँ वैसे चलाना है आपको। और आप लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, बहुत लोग ऐसे करके और ऐसे ऐसे बहुत मतलब ब्रश करने लगते हैं, तो क्या होगा आपका जो फेस है वो एक लेवल में स्मूथ नहीं होगा ठीक है। तो आपको सिंपली इसी तरह करके पूरा ब्रश कर लेना है, देख सकते हैं मेरा जो अभी जो फ़ोटो है वो देखिए कितना बेकार लग रहा है देखने में, अभी HD नहीं बनाया मेरा फ़ोटो ठीक है। तो आपको ना मैं HD में बना के फ़ोटो को दिखाने वाला हूँ। तो सिंपली फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है और मैं यहीं अभी आपको दिखाऊंगा कि आप हेयर कट कैसे मार सकते हैं ठीक है एंड अपने होंठ को भी लाल कर सकते हैं बिना कोई रिचार्ज किए हुए। तो सिंपली फ्रेंड्स आपको यहाँ से देखिए कुछ इस टाइप से करके स्मूथ कर लेना है फ़ोटो को, मैं फास्ट में स्मूथ कर लेता हूँ ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपने फ़ोटो को पूरा स्मूथ कर लिया, अब मारना हेयर कट ठीक है। तो हेयर कट मारने के लिए आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है एंड देखिए ये वाला ब्रश जो है ये वाला स्मूथ ब्रश है, ये लास्ट में जो है 1 2 3 4 5 नंबर में जो ब्रश है आपको सेलेक्ट कर लेना है, सेटिंग में जाना है और देखिए आपको साइज को 10 और फ्लो को पूरा 100 और स्ट्रेंथ को फुल 100 कर देना है एंड यहाँ से इस पर क्लिक कर लेना है, देखिए इस पर क्लिक करना है और आपको ना देखिए ये वाला है इस पर क्लिक कर देना एंड ये रूटेड वाला है इस पर क्लिक कर देना और इस तरह करके आपको जूम कर लेना है ठीक है और इसको थोड़ा बढ़ा लेना है और कुछ इस टाइप से करके आपको चला देना है, देखिए ड्रॉ करना है तो आपका जो हेयर कट है वो मारा जाएगा ठीक है। तो मैं मार लेता हूँ हेयर कट, कुछ इस टाइप से करके आपको मारना है ठीक है, जैसे मैं मार रहा हूँ उसी तरह आपको इधर से लेके जाना है ठीक है। तो देखिए कितना आसान तरीके से जो हेयर कट है वो मरा जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह करके आपको हेयर कट मार लेना है एंड आईब्रो कट मारना है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इसी तरह करके आपको इस तरह ले लेना है, देखिए ये वाला सीधा वाला ले लेता हूँ मैं और सिंपली आपको इस तरह करके रख लेना है और इस तरह करके आईब्रो कट मार लेना है, देखिए तिरछे में मार रहा हूँ तो इस तरह करके आपको मार लेना है एंड यहाँ से आपको इस पर जाना है और अगर ये वाला ब्रश है सेकेंड नंबर इसको सिलेक्ट कर लेना है, साइज को थोड़ा छोटा कर लेना है और फ्रेंड्स इसको कैंसिल कर देना है और यहाँ से आपको इस तरह करके आपको स्मूथ कर देना है, लेवल में मिला देना है। तो क्या होगा आपका जो आईब्रो कट मारे होंगे वो पता नहीं चलेगा, देखिए इस तरह करके आपको मिक्स कर देना है एंड इधर भी मिक्स कर देना है। तो देख सकते फ्रेंड्स जो हेयर कट मारे थे आप वो और आईब्रो कट में मारा वो देख सकते हैं कितना आसान तरीके से मैं हेयर कट एंड आईब्रो कट मार चुका हूँ ठीक है। तो सिंपली फ्रेंड्स इतना करने के बाद से आपको यहाँ से इस पर क्लिक कर लेना है और सेव टू डिवाइस कर लेना है और फोटो को लेके चलना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। सो फ्रेंड्स फिर से शेयर कर लेना है अपने फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, अब यहाँ से लाइट पे क्लिक करना है, ब्लैक को थोड़ा मैनेज कर लेना है, वाइट को थोड़ा मैनेज कर देना है, शैडो को बढ़ा लेना है तो थोड़ा मैनेज कर लेना है ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आप कम्प्लीटली वीडियो वॉच कर रहे हैं तो एडिटिंग आप सीख गए होंगे ठीक है। तो मिक्स पे फिर से क्लिक करना है, ब्लू कलर है इसको सिचुएशन आपको बढ़ा लेना है एंड ह्यू को थोड़ा सा मैनेज कर लेना है, देखिए 7 माइनस लुमिनस को थोड़ा प्लस कर लेना है क्योंकि बैकग्राउंड में भी लाइट लाना है ठीक है। एंड इतना करने के बाद से फ्रेंड्स देखिए यहाँ से मेरा जो ग्रीन कलर है उसको हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं यू एंड सिचुएशन को, येलो कलर पे जाना है इसका सिचुएशन आपको मैनेज कर देना है एंड लुमिनस को थोड़ा मैनेज कर देना है, सेकंड नंबर पे जाना है फ्रेंड्स सिचुएशन को मैनेज एंड लुमिनस को प्लस कर देना है, देखिए कुछ इतना प्लस करना है ठीक है। तो देखिए इतना कर लेना है, फर्स्ट नंबर पे जाना है इसका सिचुएशन आपको थोड़ा बढ़ा लेना है। तो इतना करने के बाद से फ्रेंड्स आपको देखिए मेरा जो सिचुएशन है वो ज़्यादा मैनेज हो चुका है, तो इतना करने के बाद से आपको यहाँ से डन पे क्लिक कर देना है, ग्राइंडिंग में जाना है देखिए
और लुमिनस को थोड़ा माइनस, यहाँ से डन पे क्लिक। और फिर से आपको फर्स्ट नंबर पे जाना है और अपने होंट को ब्रश कर लेना है। अगर रिचार्ज होगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो नहीं कर सकते फ्रेंड्स। रिचार्ज होगा तो आप कर सकते हैं, और अगर आप होंट को लाल करते हैं, कलर करते हैं, तभी आपका जो फोटो है वो अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो आपको हर हालत में होंट को कलर करना है। ठीक है, तो देखिए मैं कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से करके, सिचुएशन को बढ़ा लेना एंड जो कलर हम मैं रखना चाहता हूँ वो रख लेता हूँ। तो देखिए मैं रेड कलर रख लेता हूँ। तो इतना करने के बाद से फ्रेंड्स आपको डन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ से आपको देखिए इफेक्ट पे जाना है, क्लैरिटी को आपको बढ़ा देना पूरा। ठीक है, एंड टेक्चर को थोड़ा बढ़ा देना है, बिगनेट को थोड़ा माइनस कर देना, और यहाँ से आपको देखिए राउंडेड से इसको थोड़ा माइनस कर देना है। तो फ्रेंड्स आपका जो फोटो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, देखिए बिफोर एंड आफ्टर कितना HD में बन गया। तो फ्रेंड्स ये जो मेरा दांत में जो थोड़ा आ गया है वो होगा, कहीं प्रॉब्लम हो गया होगा इसलिए आ चुका है, आप लोग का फोटो में नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ से शेयर का ऑप्शन होगा, शेयर पे क्लिक कर देना और फोटो को सेव कर लेना। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कुछ इस टाइप से आप एडिटिंग करना सीख गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।